जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम 12 फरवरी के जो एमसीक्यूज है वो देखेंगे यूपीएससी से रिलेटेड। और अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है ये वर्थ है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी भी जो वीडियोज़ है जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड और एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड, तो सारे जो वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर जितने भी पीडीएफ है मैं अपलोड कर दिया करता हूँ। तो इसलिए टेलीग्राम पर मयूर मोगरे के नाम से टेलीग्राम मैंने चैनल बनाया है हाल ही में, मयूर मोगरे के नाम से। आप फेसबुक पर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैसेज भेज सकते हो, और सबकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो शुरू करते हैं, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं, मयूर मोगरे। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें से जो सही स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। मानसरोवर लेक इज सेड टू बी द हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। अब देखिए, हाल ही में रिसेंट न्यूज़ थी ये मानसरोवर लेक से ही रिलेटेड, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो आया है। तो मानसरोवर लेक जो है इसे हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है दुनिया में ये कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि नथुला पास जो है वो कनेक्ट करता है इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद चाइनाज टिबेट ऑटोनोमस रीजन। तो अब इसमें से सही आंसर जो है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो इसमें से देखिए, नथुला पास जो है ये सिक्किम में है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। मानसरोवर लेक जो है वो हाइएस्ट फ्रेश वाटर लेक है दुनिया का, इसलिए जो इसका जवाब है वो है वन ओनली। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है, इस वजह से ये जो क्वेश्चन है वो आया है, चाइना ने इसे परमिशन दे दी है नथुला पास से जो पास होते हैं उसमें से। तो इसमें से इज नोन एज रिलीजियस इंपॉर्टेंस कल्चरल सिग्निफिकेंस, और उसके बाद एनुअल पिलग्रिमेज होल्ड्स रिलीजियस इंपॉर्टेंस फॉर हिंदूज जैंस एंड बुद्धिस्ट। अब ये जो यात्रा है ये ऑर्गेनाइज की जाती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्लोज कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो चाइना की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उनकी जो गवर्नमेंट है उनके साथ कोऑपरेशन में ये जो यात्रा है ये ऑर्गेनाइज करती है हमारी सरकार। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम, दिल्ली एंड इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस एंड कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड आर अदर मेजर इंडियन पार्टनर्स ऑफ द मिनिस्टर इन ऑर्गेनाइजिंग द यात्रा। तो ये लोग भी जो है ये लोग भी इसमें शामिल है जो यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट इज़ अ साउथ एशियन आइलैंड कंट्री। अब ये जो कंट्री है इसका नाम आपको बताना है, आइलैंड कंट्री का नाम आपको बताना है। साउथ एशियन आइलैंड कंट्री है ये, मतलब साउथ में है, मतलब ये जो भारत है इसके साउथ में रहने वाला है। और साउथ एशियन एशिया में रहने वाला है, मतलब ये नीचे के पोर्शन में जितने भी पार्ट है ये हम लेंगे पहले। लोकेटेड इन द इंडियन ओशन, ये जो इंडियन ओशन है इसमें ही लोकेटेड है, यहाँ पर भारत है। आप इमेजिन कीजिए ये भारत है, इसके नीचे यहाँ पर लोकेटेड है ये कहीं पर। सिचुएटेड इन द अरेबियन सी, अब अरेबियन सी है तो यहाँ जो है यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ आएगा, ये पूरा अरेबियन सी है, बराबर है, तो इसलिए इधर कहीं तो भी लोकेटेड है। और उसके साथ साथ इट लाइज साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया। साउथ वेस्ट ये साउथ, ये है इंडिया, ये है श्रीलंका। अब ये जो है साउथ, साउथ वेस्ट मतलब इस साइड का पार्ट आ गया, साउथ वेस्ट में है। द चेन ऑफ 26 अटोल स्ट्रेच फ्रॉम इवेंडीपोलू अटोल इन द नॉर्थ ऑफ द अदू सिटी इन द साउथ। अब यहाँ पर जो है अदू सिटी भी है साउथ में। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड कंट्रीज, डिस्पर्स्ड कंट्रीज है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरीके की डिस्पर्स्ड पूरी की पूरी यहाँ पर चेन है ऐसी। इट्स वन डिस्पर्स कंट्रीज एज वेल एज स्मॉलेस्ट एशियन कंट्री बाय बोथ लैंड एरिया एंड पॉपुलेशन। अब लैंड एरिया और पॉपुलेशन भी से भी ये स्मॉलेस्ट एशियन कंट्री है। तो ये कौन सी है, तो मालदीव्स, सीशेल्स, मॉरिशियस, तस्मानिया। तो ये जो है सीशेल्स जो है ये भी अभी काफ़ी न्यूज़ में था, अब वो किस लिए न्यूज़ में था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका जवाब है ए मालदीव्स, तो ये इसका जवाब है। तो मालदीव्स जो है साउथ एशियन आइलैंड कंट्री है जो कि लोकेटेड है इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में सिचुएटेड है, साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया है। चेन ऑफ 26 अटोल जो है वो स्ट्रेच करते हैं फ्रॉम इवेंडीपोलुआ अटोल इन नॉर्थ एंड अदू सिटी इन दी साउथ। अब मालदीव्स जो है वन ऑफ द मोस्ट जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड कंट्रीज है ये, एज वेल एज स्मॉल एशियन कंट्री बाय बोथ आइलैंड एरिया एंड पॉपुलेशन। अब यहाँ पर जो है इन सब का जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो सकता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
इट इज़ वर्ल्ड्स लोवेस्ट कंट्री विथ इवन इट्स हाइट नेचुरल पॉइंट बींग द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड. अब यहाँ पर जो हाइट है उसकी भी लोवेस्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. चलिए इसे थोड़ा मैप में देखते हैं. तो ये है हमारा जो पृथ्वी है वो, तो हम अभी पृथ्वी के थोड़ा अंदर जाएंगे और उसी के साथ साथ जो मालदीव्स है उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे. तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत. और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो जैसे जैसे हम जाएंगे यहाँ पर, देखिए मैप में अभी तक मालदीव्स दिख भी नहीं रहा है हमें, यहाँ देखना शुरू हुआ है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो. तो चलिए मालदीव्स की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ जैसे जैसे हम उसके पास जाएंगे, यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पर धीरे धीरे से यहाँ पर आइलैंड आ रहा है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी डिस्पर्स्ड जो है वो आइलैंड है. तो यहाँ पर आ गए हम गन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. उसके बाद जो देखिए यहाँ पर कितना डिस्पर्स्ड आइलैंड है ये, तो यहाँ पर पूरा ऐसा फैला हुआ है. यहाँ यहाँ जो अदू सिटी आप देख सकते हो, तो यहाँ इस तरीके से यहाँ पर फैला हुआ है. तो आप देख सकते हो कितना डिस्पर्स्ड आइलैंड है और कितना ज़्यादा फैला हुआ है ये जो आइलैंड है. अगर आप ज़्यादा जूम आउट कर देखते हो तो वो ये दिखेगा भी नहीं. तो यहाँ देख सकते हो आप कितना ये फैला हुआ है और अजीब तरीके से फैला हुआ है. तो ये मालदीव्स है. तो यहाँ आप अगर जूम आउट करते हो तो धीरे धीरे ये जो है, ये जब बड़ा मैप आएगा तब दिखेगा भी नहीं. तो इस तरीके से यहाँ पर हमने मालदीव्स देख लिया. ये है हमारा भारत, ये है श्रीलंका. तो ये यहाँ पर ईस्ट साइड में, मतलब साउथ वेस्टर्न साइड में जो है वो लोकेटेड है. तो चलिए हमारे क्वेश्चन आंसर फिर से देखते हैं हम. तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स आर सुप्रीम इन देयर स्पीयर. अब यहाँ पर फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और स्टेट जो है वो सुप्रीम है अपने अपने स्पीयर में. और उसके बाद देयर इज नो प्रोहिबिशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट्स टू हैव इट्स ओन फ्लैग. मतलब जो स्टेट्स है वो अपना खुद का फ्लैग रख सकते हैं, उसके लिए कोई प्रोहिबिशन नहीं दिया हुआ है हमारे संविधान में. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है अब आपको बताना है. तो देखिए इसमें से दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है. तो इसका जवाब है बोथ वन एंड टू. तो जैसे कर्नाटका जो है वो खुद का जो फ्लैग है वो यहाँ पर मांग कर रहा है उसकी, तो इसलिए यहाँ पर कमेटी फॉर्म की गई है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, जो रिकमेंड कर रही है सेपरेट फ्लैग फॉर द स्टेट डिस्काउंटिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हर्डल फॉर इट. मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल हर्डल है ये कोई भी नहीं आने वाला है बीच में, ऐसा उनका कहना है. उन्होंने ऐसी कमेटी भी बिठाई है. और उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, निगेटिव पॉइंट्स हैं, ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस देखें तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है जो फ्लैग है उसके लिए, या फिर जो जितने भी एक्ट्स बनाए हुए हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है अगर स्टेट अपना खुद का फ्लैग रखता है तो. लेकिन इससे ऐसा हो सकता है कि जो स्टेट है वो अपना सुप्रीम, एक जो सुप्रीम सुप्रीमिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी. और बाकी भी अगर हम देखें तो दूसरे जो UN वगैरह होते हैं वहाँ पे, या फिर जब भी मैचेस होती है इंडियन क्रिकेट टीम की मैचेस होती है, जब वर्ल्ड कप होते हैं, तो वहाँ पर भी दूसरे जो फ्लैग्स है वो लगाए जाते हैं. और ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर जब IPL इंडियन प्रीमियर लीग जब क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर बेंगलोर की टीम है तो वहाँ पर बेंगलोर की टीम को जो दूसरे प्लेयर खेल रहे हैं बेंगलोर की टीम में, जैसे अगर गेल खेल रहे हैं वहाँ पर बेंगलोर की टीम में, तो वहाँ पर गेल को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, गेल को ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो एकदम बहुत चढ़ा देंगे. लेकिन जब वेस्ट इंडीज़ के साथ इंडिया की मैच होगी तो वही जो लोग हैं जो गेल को वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीयरिंग दे रहे थे वो इंडिया को ही चीयरिंग देंगे. तो इस तरीके की काफ़ी जो आर्ग्यूमेंट्स है वो हो सकती है कि सेपरेट फ्लैग जो है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. उसके बाद ये जो है प्रपोज स्टेट फ्लैग जो है वो ट्राइकलर है, येलो व्हाइट रेड विद अ स्टेट एम्बलम एट द सेंटर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग CCI. तो यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है. तो इट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पर चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं. अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. उसके बाद ड्यूटी ऑफ द कमीशन इज़ टू एलिमिनेट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन. जो भी कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसके लिए ये जो प्रैक्टिस है वो एलिमिनेट करता है, उसके लिए हेल्प करता है. तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है यहाँ पर आपको बताना है. तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है. तो इसका जवाब रहेगा नाइदर वन और टू, कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है. तो यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इम्पोज किया है 1,136 करोड़
ऑन सर्च इंजिन मेजर गूगल फॉर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लेंडिंग रेट MCLR जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किस लिए, इंक्रीज द इन्फ्लेशन, प्रोवाइड लोन्स ऑन मिनिमल रेट्स, डिक्रीज द कॉस्ट। अब यहाँ पर देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए क्यों जो RBI है वो कुछ लाएगी, तो ये तो सीधी सी बात है, गलत हो जाएगा। उसके बाद डिक्रीज द कॉस्ट, अब ये कॉस्ट किसकी डिक्रीज करेंगे, क्यों डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मिनिमल रेट्स पे लोगों को जो लोन है वो प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर MCLR सिस्टम जो है वो लाई गई है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा 2 ओनली। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है लिंक बेस रेट फॉर लोन विच मार्जिनलाइज कॉस्ट ऑफ फंड बेस लेंडिंग रेट फ्रॉम 1 अप्रैल, यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। अब यहाँ पर क्या होता है, MCLR में काफ़ी जो सेक्शंस है वो होते हैं, जैसे पहले बेस रेट होता था, बेस रेट क्या होता था, बेस रेट जो है वो अपडेट करने में काफ़ी टाइम होता था, लेकिन यहाँ पर जो MCLR है ये फ्रिक्वेंटली अपडेट होता रहेगा, तो इस वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी बनाने में आसानी जाएगी, और उसके बाद जो लोन बेस लोन रेट जो है वो भी यहाँ पर फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहेंगे एज़ पर द मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर गैप जो है बिटवीन बेस रेट एंड MCLR ये नैरो करने के लिए यहाँ पर किया गया है, जिससे कि जो बोरोवर्स है जो लोन लेते हैं उन्हें इससे फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, विनयशील ओबेरॉय कमेटी इज़ एसोसिएटेड विथ, यहाँ पर ये जो कमेटी है किससे एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है आर्म्ड फोर्स से। तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है 30 मेंबर्स एडवाइजरी कमेटी मॉनिटर करने के लिए एक्सपीडिट कैपिटल एक्विजिशन प्रोजेक्ट फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए ये जो कमेटी है विनयशील ओबेरॉय कमेटी यहाँ पर की गई है, जिसे हेड करने वाला है विनयशील ओबेरॉय। ये जो भी मेजर्स है वो सजेस्ट करने वाले हैं ताकि इम्प्रूव कर सके कैपिटल एक्विजिशन प्रोसेस, और उसके कमेटी जो है वो अंडरटेक करेगी इंडिपेंडेंट रिव्यू और चेक करेगी स्टेटस ऑफ ऑनगोइंग क्रिटिकल प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 500 करोड़ रुपीस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली गॉट इट्स रोडोडेंड्रॉन पार्क। अब ये जो है रोडोडेंड्रॉन पार्क ये रिसेंटली किसको मिला है, तो ये मिला है तवांग को। तो ये जो है इन अ बीड टू कंजर्व द ड्विडलिंग रोडोडेंड्रॉन स्पीशीज, रोडोडेंड्रॉन जो स्पीशीज है ये तो टंग ट्विस्टर हो जाएगा, तो रोडोडेंड्रॉन स्पीशीज जो है इसे कंजर्व करने के लिए यहाँ पर तवांग पर यहाँ पर नेशनल पार्क जो है बसाया गया है, स्टैब्लिश किया गया है तवांग में अरुणाचल प्रदेश में। 30 स्पीशीज ऑफ रोडोडेंड्रॉन विल बी प्लांटेड एंड कंजर्व इन द पार्क, कंजर्व किए जाएंगे। It will also have a modern nursery, an information center, resting sheds and a park facility among other things. तो यहाँ पर next question की तरफ चलते हैं, which among the following recently rolled out payment feature in India? Payment feature जो है ये किसने roll out किया है, Paytm, WhatsApp, Facebook, Tez। तो यहाँ पर देखिए Paytm में तो already था, तो इसलिए ये तो option कट ही होता था। उसके बाद ये इसमें से कौन सा हो सकता है, तो इसमें से जो WhatsApp है उन्होंने ये किया है, तो इसका जवाब है WhatsApp। तो यहाँ पर फेसबुक ओन्ड मैसेजिंग सर्विस जो है व्हाट्सअप की, उन्होंने स्टार्ट किया है रोलिंग इट्स पेमेंट फीचर ऑन बोथ एंड्रॉयड एंड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। अब ये फीचर करेगा, ये जो फीचर है ये अलाउ करेगा इंस्टेंट ट्रांसफ़र ऑफ मनी वाया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI। यहाँ पर अर्ली रिपोर्ट जो है उन्होंने कहा था कि व्हाट्सअप वॉज वर्किंग विद बैंक्स इंक्लूडिंग HDFC एंड ICICI टू इंटीग्रेट इट्स UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज प्लानिंग टू लॉन्च बाइक एम्बुलेंस टू डील विद कैजुअलिटीज़ इन द स्टेट्स टूरिज्म बेल्ट। यहाँ पर कौन सा स्टेट प्लान कर रहा है बाइक एम्बुलेंस लॉन्च करने का, किस लिए, तो डील विद द कैजुअलिटीज़ इन द स्टेट्स टूरिज्म बेल्ट। तो यहाँ पर जो टूरिज्म स्पॉट है वही यहाँ पर करेगा, तो हरियाणा जो है ये टूरिज्म इतना स्पॉट है नहीं, इसलिए तो वैसे ही कट हो जाएगा अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो। राजस्थान जो है राजस्थान हो सकता है, सिक्किम जो है ये नहीं हो सकता है, तो गोवा या राजस्थान इन दोनों में से हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट टूरिस्ट प्लेस कौन सी है, तो गोवा है, तो इसलिए यहाँ पर जो गोवा है इसी का जवाब है। तो गोवा चीफ मिनिस्टर जो है मनोहर पर्रिकर साहब उन्होंने प्लान किया है 20 बाइक एम्बुलेंस जो है वो लॉन्च करने का। आप देखिए अगर आप वैसा भी देखोगे तो टूरिज़्म के हिसाब से अगर आप गोवा गए हो तो वहाँ पर जो ऑटो होते हैं या फिर जो भी कार होती है तो यहाँ पर बाइक्स भी चलते हैं, मतलब अगर आपको एक स्पॉट से दूसरी जगह पर जाना है तो यहाँ पर बाइक के थ्रू हम जा सकते हैं, बाइक लेके लोग खड़े रहते हैं तो उसके साथ हम जा सकते हैं बाइक पर। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, बाइक एम्बुलेंस यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं।
एम्बुलेंस जो है वो इक्विप रहेगी बेसिक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट से, टू ऑक्सीजन सिलेंडर टू सर्व एज रैपिड सर्विस एट प्लेस वेयर फोर व्हीलर्स एम्बुलेंस कैनॉट रीच। यहाँ पर 100 बाइक एम्बुलेंस जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मे प्रमोट एक्सपोर्ट्स। यहाँ पर फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है सही स्टेटमेंट आपको बताना है। तो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मे प्रमोट एक्सपोर्ट्स। अब डीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि कोई करेंसी है, ठीक है, मतलब रुपीज़ है, अभी एक डॉलर इज इक्वल टू 65 रुपीज़ अगर है, तो अगर एक डॉलर इज इक्वल टू 70 रुपीज़ हो गई, मतलब क्या हो रहा है, हमारी जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट हो गई, बराबर है। और अगर एक डॉलर इज इक्वल टू 60 रुपीज़ होता है तो एप्रिशिएट हो गई। तो यहाँ पर डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जो है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, ऐसा बोलना है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है, प्राइस ऑफ करेंसी कंट्रीज प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट में फॉल ड्यू टू डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो गिर जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में अगर डीवैल्यूएशन होता है करेंसी का। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए कैसे होगा ये, तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 10 रुपये का पेन है, ठीक है, 10 रुपये का पेन है, नहीं सपोज़ फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि 60 रुपीज़ है, सपोज वन डॉलर इज इक्वल टू 60 रुपीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई 60 रुपये का पेन बेच रहा है, तो वहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, एक डॉलर का हो जाएगा, बराबर है। अगर यूएसए में आप वही पेन बेचोगे तो एक डॉलर का हो जाएगा। अब ये जो सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ईजी एकदम लेंगे हम, तो यहाँ पर 60 रुपये का जो पेन बिक रहा है वहाँ पर एक डॉलर का बिक रहा है, बराबर है। लेकिन अगर डीवैल्यूएट हो रही है, मतलब एक डॉलर इज इक्वल टू 65 रुपीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर अगर 60 रुपये की जो है 60 रुपये का ही पेन बिकेगा, लेकिन वहाँ पर एक डॉलर से उसकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी। अब कीमत कम हो जाएगी तो वहाँ पर लोग ज़्यादा खरीदेंगे, बराबर है, क्योंकि कीमत अगर कम होती है तो ज़्यादा जो सेल है वो बढ़ता है, डिमांड जो है वो बढ़ती है। इसलिए यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है, मतलब यहाँ से जो हम माल वहाँ बाहर बेच रहे हैं, वो जो है वो ज़्यादा प्रमोट होगा, वही, क्योंकि बाहर जो है बाहर वाले लोगों को सस्ता दिखेगा, बराबर है। लेकिन वही अगर हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो महंगी हो जाएगी, इसलिए इंपोर्ट को वो ज़्यादा फायदा नहीं पहुँचाता है अगर डिवैल्यूएट होती है करेंसी। तो प्राइस जो है कंट्री प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में गिर जाएगी, जैसा मैंने आपको समझाया है, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस जो है वो तो घसर ही जाएगी अगर डिवैल्यूएट होती है तो। इसलिए चाइना जो है, चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टिंग कंट्री है, चाइना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है अपने एक्सपोर्ट ही करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है वो, इस वजह से अपनी करेंसी को जानबूझकर डिवैल्यूएट करता है चाइना। तो यहाँ पर डिसीजन टू डिवैल्यूएट अ करेंसी इज मेड बाय द गवर्नमेंट इशूइंग अ करेंसी एंड अनलाइक डिप्रिसिएशन इट्स नॉट अ रिजल्ट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटी नहीं है, जानबूझकर डिवैल्यूएट करने की कोशिश की है। वन रीजन अ कंट्री में डिवैल्यूएट इट्स करेंसी इज टू कंबट अ ट्रेड इम्बैलेंस। जो भी ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है, मतलब हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ की जा सकती है। डिवैल्यूएशन जो है रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट रेंडरिंग देम मोर कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट। अब यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, इसलिए जब प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगा, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए यहाँ पर डीवैल्यूएशन जो है वो किया जाता है। दस इन टर्न इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट। मैंने जैसा आपको बोला था कि जो एक्सपोर्ट है वो तो सस्ते हो जाते हैं, एक्सपोर्ट वालों को मज़ा आता है, लेकिन जो इम्पोर्ट है वो महंगा हो जाता है, बराबर है। इसलिए यहाँ पर इम्पोर्ट जो है वो काफ़ी महंगा हो जाएगा। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट सो दैट डोमेस्टिक कंज्यूमर्स आर लेस लाइकली टू परचेज देम। यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई प्रोडक्ट वहाँ पर एक डॉलर का बिक रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कितने का बिक रहा था, वो 60 रुपये का बिक रहा था, लेकिन अब वो एक ही डॉलर का वहाँ बिक रहा है, लेकिन डीवैल्यूएट होने की वजह से यहाँ कितनी कीमत हो गई उसकी, 65 हो गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बाहर की कीमत है, मतलब इम्पोर्ट जो कर रहे हैं हम, उसकी कीमत महंगी हो जाएगी, इसलिए उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि 60 का पहले मिल रहा था, अब 65 का मिल रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो खरीदने में ज़्यादा तकलीफ जाएगी, लोग खरीदेंगे नहीं, इसलिए क्या होगा, डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब करने के लिए जानबूझकर जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।